Hey everyone, welcome to Universal Truth and आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके जीवन में जल्दी जल्दी बदलाव आए। और बदलाव लाना बहुत ही आसान है और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप सिर्फ एक अफर्मेशन को यूज़ करके इसे अपना डेली वॉकिंग मंत्रा बना करके अपने जीवन में मनचाहे बदलाव ला सकते हैं। जब हम अफर्मेशंस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में तरह तरह के पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। आप में से कई लोग अफर्मेशंस को कर भी रहे होंगे, यूज़ कर रहे होंगे। मिरर के सामने अफर्मेशंस यूज़ करने के लिए मैंने खुद आपको कई बार वीडियोज़ के थ्रू बताया है और आप में से हर किसी को सक्सेस भी मिली है मेरी वीडियोस को फॉलो करने से, मेरे अफर्मेशंस यूज़ करने से, मेरे मेडिटेशंस को सुनने से। जितनी बार मैंने मेडिटेशंस अपलोड किए हैं, डेफिनेटली आपने देखा होगा कि आपको कमेंट सेक्शन में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मिलती हैं। मेरी हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में सक्सेस स्टोरीज भरी होती हैं और यही वजह है कि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो ये सोच करके बनाती हूँ कि आपके जीवन में अच्छे बदलाव लाने हैं, आपके जीवन को अच्छा बनाना है और आपके जीवन को खुशियों से भरना है। तो आज की इस वीडियो का भी यही उद्देश्य है कि आपके जीवन में तरक्की आए, समृद्धि आए, खुशहाली आए। चाहे आप किसी भी एरिया से किसी भी विश को क्यों ना मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका जीवन बदले और आपकी वो इच्छा पूरी हो। आज जो अफर्मेशन मैं लेकर के आई हूँ, इस अफर्मेशन को आप में से हर किसी को यूज़ करना है। ये एक चमत्कारी अफर्मेशन है। कैसे यूज़ करना है, चलिए मैं पहले इसे बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी हम आई एम के बाद में कुछ भी यूज़ करते हैं तो उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। और अफर्मेशंस जब मिरर के सामने बोले जाते हैं तो उनकी पावर बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि मिरर हमें बताते हैं। मिरर के सामने जब अफर्मेशंस हम बोलते हैं तो हमें अपने अंदर के प्रतिरोधों का पता चलता है और उन प्रतिरोधों से ऊपर उठ करके हमें सक्सेस मिल जाती है। बिल्कुल वैसे ही आज जो अफर्मेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसे यूज़ करने का तरीका पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ। यूज़ करने का पहला तरीका ये है कि जो भी आप बोल रहे हैं उसमें पूरा विश्वास करें। बिना विश्वास के अफर्मेशंस काम नहीं कर सकते, इसीलिए विश्वास करना ज़रूरी है। हालांकि आप बिना विश्वास के भी अगर लगातार 1000-2000 बार किसी अफर्मेशन को बोलेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर विश्वास आ जाएगा। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि पहले से ही पूरे दिल से और विश्वास के साथ बोलें, आस्था के साथ बोलें कि आपके लिए वो चीज़ सच है और वो आपके लिए बहुत ही कम दिनों में सच में बदल जाएगी। जैसा कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि आप चाहे कोई भी अफर्मेशन यूज़ करें, किसी भी एरिया से रिलेटेड कोई भी अफर्मेशन यूज़ करें, उसका रिजल्ट जो होता है वो 2-4 दिनों में आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। हाउएवर, यहाँ पे एक छोटी सी शर्त होती है। जैसे मान लो आप कोई अफर्मेशन कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो अफर्मेशन काम नहीं कर रहा या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस पॉजिटिव अफर्मेशन के प्रभाव को शून्य करने के लिए आपके माइंड में पहले से ही नेगेटिव पैटर्न्स बैठे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए अफर्मेशन करता है कि उसकी रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लॉन्ग लास्टिंग एंड लविंग है और उसके पार्टनर के साथ में अभी करेंट सिचुएशन ये है कि अभी वहाँ पे कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं है, तो उसके माइंड में पहले से ही बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, तभी उसके लिए उसके अफर्मेशंस काम नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप चाहो तो अपने नेगेटिव थॉट्स को ईजिली रिमूव कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप अपने पॉजिटिव अफर्मेशन को बोलना स्टार्ट करते हो आपके माइंड से ही आवाज़ें आती हैं जो कि बोलती हैं ये सच नहीं है, ये तो झूठ है, रिलेशनशिप तो अभी ख़राब चल रही है। और ये जितने भी थॉट्स आ रहे हैं ये सभी आपके काउंटर इंटेंशंस है, जो आपके प्योर इंटेंशन यानी जो आपके विश वाली इंटेंशन है उसे काउंटर करते जा रहे हैं, उसे शून्य करते जा रहे हैं, उसके प्रभाव को शून्य कर रहे हैं। तो आपका काम ये है कि अपने उन नकारात्मक विचारों को हमेशा हमेशा के लिए खुद के अंदर से बाहर निकालें, रिलीज़ करें और अपने सकारात्मक जो विचार हैं, जो अफर्मेशन है उन पर भरोसा करें, वो आपके लिए सच में बदल जाएंगे। तो चलिए आज जो मैं अफर्मेशन आपको दे रही हूँ, ये सारी चीज़ें वो अकेला अफर्मेशन कर सकता है आपके लिए, आपके जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे आप किसी भी क्षेत्र की बात करें उसमें आपको तरक्की समृद्धि दे सकता है। चाहे रिलेशनशिप हो, जॉब, लव, सक्सेस, कहीं भी किसी भी एरिया में आपको सक्सेस मिलेगी। तो इस अफर्मेशन को कब यूज़ करना है, डेली कम से कम
आप 100 बार इस अफर्मेशन को मिरर के सामने बोलें, हो सके तो अगर मिरर के सामने नहीं बोल सकते तो यूं ही बोलें, लेकिन इसे बोलें। अपने सामने इसे लिख करके लगा सकते हो, स्क्रीन यानी वॉलपेपर पे इसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब मैं अफर्मेशन के बारे में बात करती हूँ। अफर्मेशन है, मैं संपूर्ण, परिपूर्ण, मजबूत, शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और खुश हूँ। ये एक अकेला अफर्मेशन आपको हर लेवल पे हील करता है, और एक बार आपकी हीलिंग हो गई तो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। मैनिफेस्टेशंस बहुत फास्ट हो जाती हैं, जो भी सोचोगे आपके लिए पूरा होगा। ठीक है, तो इस अफर्मेशन को ज़रूर यूज़ करें, ये अपने आप में कंप्लीट है और आपकी लाइफ के हर एरिया में आपको सक्सेसफुल बनाएगा। तो इस अफर्मेशन को यूज़ करें और अपनी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मुझे पता है, मुझे यकीन है कि आपको सक्सेस मिलेगी। अपनी छोटी से छोटी सक्सेस भी मेरे साथ में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।